राम मंदिर निर्माण को लेकर बिजवाड़ बृजेश्वर महादेव मंदिर में की जा रही है अखंड रामायण पाठ। बृजेश्वर महादेव मंदिर बिजवाड़ के प्रांगण में कई वर्षों से रामायण पाठ किया जा रहा है। रामायण पाठ को लेकर सभी क्षेत्रवासी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। वहीं बृजेश्वर रामायण मंडल द्वारा भी अपना सहयोग प्रदान किया जाता है व रामायण पाठ किया जाता है। रामायण पाठ हर सावन माह में भी किया जाता है। वहीं कई बार बृजेश्वर रामायण मंडल द्वारा बीच में भी रामायण पाठ किया जाता है। कई वर्षों से चली आ रही रामायण पाठ को लेकर सभी क्षेत्रवासी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। वहीं 5 अगस्त को हो रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। बृजेश्वर रामायण मंडल के सदस्य राम भरोसे जायसवाल ने बताया कि सभी के सहयोग से रामायण पाठ किया जाता है। क्षेत्र में अमन शांति रहे, कोरोना वायरस महामारी खत्म हो, उसे सभी देशवासी प्रदेशवासियों को निजात मिले। वहीं 5 अगस्त को हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर हमारे द्वारा 5 दिन की अखंड रामायण पाठ की जा रही है। कई वर्षों से श्री राम मंदिर बने उसको लेकर हम सभी देशवासी प्रदेशवासी मांग कर रहे थे, आज हमारा वह सपना पूरा होने जा रहा है। इस दौरान जीवन सिंह परिहार, सुंदरलाल बड़गुर्जर, संजय मेरुडिया, अनाज सिंह दलोदिया, रामलाल पलाया उपस्थित थे। तो राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उसके लिए 500 साल पुराने हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक श्री राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए हम अखंड रामायण का पाठ 5 दिन से यहाँ कर रहे हैं भगवान बृजेश्वर महादेव मंदिर बिजवाड़ में। तो इसके लिए हम सब पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत हर्ष है, पूरे गांव में दीप प्रज्वलित करेंगे, पूरे गांव में हर्षोल्लास से मनाएंगे। इसके 5 दिन के बाद हमने जो वो रहेगा मतलब 5 अगस्त को जो रहेगा अपना। आपके द्वारा कितने समय से रामायण पाठ चल रही है? पूरे मास से ही चल रही है वैसे तो, और क्षेत्रवासी और सभी क्षेत्र वाले की तरफ से है वो, और हमारा पूरा मंडल की तरफ से है। 12 मासी है वो, 12 मासी रहती है। 12 मासी अमावस को भी रहती है वो। दीपक शर्मा की रिपोर्ट।